इनकी शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से, सीएम हाउस में बड़ी बैठक होगी। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई से पहले एक बड़ी बैठक सीएम हाउस में होगी। सीएम ने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को तलब किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्री रामखेलावन पटेल सहित कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पिछड़ा वर्ग और कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। सरकार 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। तो सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक होगी। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई से पहले बड़ी बैठक होगी। सीएम ने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को तलब किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक होनी है, ओबीसी आरक्षण की सुनवाई से पहले बड़ी बैठक होनी है सीएम हाउस में। कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला और क्या कुछ चर्चा इस बैठक में होगी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर बेहद संजीदगी बरत रही है और राज्य पिछड़ा वर्ग और कल्याण आयोग ने बीते दिनों सभी प्रदेश के कलेक्टरों को पत्र लिखा, तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि ओबीसी वर्ग के कितने जो है मध्य प्रदेश में जो लोग हैं वो उनकी जो संख्या है वो राज्य सरकार को राज्य सरकार के पास जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। इसी को लेकर कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें 10,000 से अधिक पंचायत सचिव और जो ग्राम सचिव हैं वो इस गणना को सर्वे को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे और 7 जनवरी को ये रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार के पास पहुंच गई है। लिहाजा कल ये एक बैठक होने जा रही है जिसमें 17 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें मध्य प्रदेश सरकार किन दलीलों के साथ जो है वो बात रखे। जैसा कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था और बेहद अहम है कि जो पंचायत चुनाव रद्द हुए हैं उसमें 27% आरक्षण को चैलेंज करते हुए राज्य सरकार यह रिपोर्ट सौंपने जा रही है। और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, रामखेलावन पटेल और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जैसे कई अन्य जो नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो यह कल बैठक सोमवार को होने वाली है। हालांकि समय तय नहीं हो पाया लेकिन ये माना जा रहा है कि शाम को ये बैठक होगी। इस बैठक में जो प्रदेश के सभी 52 जिलों से जो रिपोर्ट आई है कलेक्टरों के मार्फत उन रिपोर्ट पर ये चर्चा होगी और इसी के आधार पर 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें ये सरकार तथ्य रखेगी कि आखिर मध्य प्रदेश में जातिगत आरक्षण जैसा कि 27% की आबादी को देखते हुए यह फैसला किया गया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जाति समीकरण है वो ओबीसी की का ही है, ओबीसी वोटर ही सबसे ज्यादा है, ऐसे में ही आरक्षण की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा ओबीसी को ही दी जाए। तो लिहाजा यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी दलील पेश करेगी। जी विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होनी है और उससे पहले एक बड़ी बैठक सीएम हाउस में होने जा रही है और तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं।